सिंगापुर का ट्रिप अगर आप लोग सही से प्लान करो तो 30,000 से लेके 40,000 इंडियन रुपीस में हो सकता है। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि सिंगापुर का वीज़ा किस तरीके से आप लोग इजीली ले सकते हो। 2018 से लेके अब तक मैंने सिंगापुर टोटल 4 बार विजिट किया है और मेरे पास अभी सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जो कि 5 ईयर्स के लिए वैलिड है। सिंगापुर का ट्रिप अगर आप लोग सही से प्लान करो तो 30,000 से लेके 40,000 इंडियन रुपीस में हो सकता है। मैंने ये चीज़ किया था 2018 में और यस, ये चीज़ पॉसिबल है। साथ में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो को मैंने एज अ चैप्टर में डिवाइड किया है जिससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो पहला चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वीज़ा का कॉस्ट, दूसरा चीज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे, आइटिनरी किस तरीके से आप लोगों को बनाना चाहिए और लास्ट में वीज़ा रिजेक्ट ना हो उसके कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से एंड वो है वीज़ा का कॉस्ट। तो सिंगापुर वीज़ा का कॉस्ट है 30 SGDs मीन्स कि सिंगापुरियन डॉलर्स और इंडिया में अगर आप लोग इंडिया से अप्लाई करने वाले हो तो 1,700 इंडियन रुपीज़ आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। यस, आप लोग ये चीज़ किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो बट एजेंट के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा 300 से लेके 1,000 के बीच में। कभी कभी कुछ लोग 1,500 भी चार्ज करते हैं बट आपका काम इजीली हो सकता है। बट ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग पर्सनली खुद घर पे बैठे बैठे कैसे सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ ऑनलाइन हो सकता है सो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर वीज़ा में आप लोगों को कोई भी स्टैम्प नहीं मिलेगा, ये ई वीज़ा है एंड ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा डिपेंड करता है आप लोग कभी अप्लाई कर रहे हो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश है तो ये वैलिडिटी 3 महीने के लिए रहेगा और उसके बाद 2 ईयर्स और उसके बाद 5 ईयर्स एंड फिर गोज़ ऑन लाइक दैट। सो जो भी आप लोगों को ई वीज़ा मिलेगा उसको आप लोग सेफ तरीके से बचा के रखना क्योंकि आप लोग उसको बार बार यूज़ कर पाओ। और मल्टीपल एंट्री वीज़ा से मेरा मतलब ये है कि आप लोग एक वीज़ा के बेस पे सिंगापुर में 2, 3 या 4 बार भी जा सकते हो। अभी दूसरी चीज़ का बात करते हैं एंड वो है डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप लोग सिंगापुर वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला चीज़ आप लोगों को जो लगेगा वो है आप लोगों का पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आप लोगों को सिंगापुर वीज़ा इजीली मिल जाता है। इसके अलावा इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 3 से लेके 5 वर्किंग डेज का होता है। सो बहुत ही जल्दी आप लोगों को सिंगापुर वीज़ा मिल जाएगा और सिंगापुर वीज़ा के बेस पर आप लोग फिलीपींस ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री, वो भी 14 डेज यानी कि 14 दिन के लिए आप लोग फिलीपींस जो कंट्री है वहाँ पे इजीली जा सकते हो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा एंड वो ये है कि सिंगापुर वीज़ा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ है तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल रह के सब चीज़ करना, नहीं तो आप लोगों का एक छोटा सा मिस्टेक भी आप लोगों का सिंगापुर वीज़ा का रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इसके बाद आप लोगों को दूसरा डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो है वीज़ा फॉर्म। तो आप लोगों को वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके ब्लैक बॉल पेन से उसको फिल करना है और ये नीट एंड क्लीन करना क्योंकि थोड़ा सा 19-20 हुआ तो अगेन वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए या फिर कोई भी तरीके का आप लोगों को हेल्प चाहिए वो सारे लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को लगेगा अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो 35mm x 45mm में क्लिक किया गया होना चाहिए और विथ वाइट बैकग्राउंड, नो शेडोज, चश्मे हैं तो आप लोग थोड़े से संभाल के और जैसे मैं कैप पहना हूँ तो वैसा कैप नहीं पहनना है आप लोगों को। सो वो सारी चीज़ें आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो अच्छे से पढ़ लेना और उस तरीके से आप लोग जो है अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना। 2 पासपोर्ट साइज़ आप लोगों को फ़ोटो लगेंगे तो वो सेफली करके रखना, तो वो आप लोग सेफली करवा के रख लेना। इसके बाद चौथा चीज़ जो आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर बेसिकली बहुत इजी है, आप लोग कौन हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए रहने वाले हो, कौन सी जगह पे रहने वाले हो, वो सब जो होगा वो आप लोगों के कवरिंग लेटर में मेंशन होगा। सो अगर आप लोग सैलराइज हो तो आप लोगों को अपना ये कवरिंग लेटर प्लेन पेपर में बना सकते हो एंड उसका फॉर्मेट आप लोगों को गूगल से मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का बिजनेस है तो आप लोगों को अपने कंपनी के लेटर हेड पे ये जो कवरिंग लेटर है वो बनाना है, साइन करना है और फिर बाद में उसका पिक्चर लेके रखना है ताकि आप लोग उसको अपलोड कर पाओ। इसके अलावा अगर आप लोग सैलराइज पर्सन हो तो आप लोगों को 3 महीने का जो आपका पे स्लिप होगा वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग बिजनेसमैन हो तो आप लोगों को अपना बिजनेस का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गुमास्ता लाइसेंस हो, चाहे वो आप लोगों का GST का लाइसेंस हो, आप लोगों को वो सबमिट करना पड़ेगा।
और इसके अलावा आप लोगों को लगेगा 6 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में मैं आप लोगों को एक और टिप देता हूँ ताकि आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो। लास्ट टाइम पे अपने एक सब्सक्राइबर ने सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और जिसमें उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मिनिमम अगर 1 लाख बैलेंस होगा तो आप लोगों का वीज़ा जो अप्रूवल के चांसेस है वो बहुत ही हाई है। उसका जो अकाउंट बैलेंस था वो 60,000 के आसपास था। आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि 1 लाख रहेगा तो बेटर है, बट जो 70-80,000 भी रहेगा तो चल सकता है। बट आप लोग अपने अकाउंट में 1 लाख को मेंटेन रखना, जिसके वजह से आप लोगों का सिंगापुर का वीज़ा इजीली अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीज़ें और लगेगी, उसमें से पहला चीज़ है आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट। सबसे अच्छी बात यह है कि मुंबई से, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है और इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक जगह से डायरेक्ट फ्लाइट है सिंगापुर के लिए। और उसमें डिपेंड करता है कि कुछ जगह से बहुत ही सस्ती फ्लाइट्स है और कुछ जगह से थोड़ी सी महंगी फ़्लाइट है। सो आप लोग अपने हिसाब से जो भी फ़्लाइट है उसको चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ लगेगा, वो है होटल बुकिंग। सो होटल बुकिंग आप लोग booking.com से कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लोग बाद में उसको कैंसिल भी कर सकते हो। सो ये आप लोगों को करना पड़ेगा सिंगापुर वीज़ा लेने के लिए। जो प्लान है वो सही तरीके से करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए कि सिंगापुर ट्रिप का प्लान किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से पैसे बचाए जाए और वगैरह वगैरह वाली बहुत सारी चीज़ है, सो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। बट यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मस्ट लगेंगे। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिलेटिव है सिंगापुर में या फिर आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पर जो आप लोगों को इन्वाइट कर रहा है, तो उससे इन्विटेशन ले लेना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा आप लोगों के सिंगापुर वीज़ा अप्रूवल का। इसके अलावा अगर आप लोग बिजनेस के लिए वहाँ पर जा रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली इन्विटेशन लेटर है वो मंगा लेना, अगेन आप लोगों के लिए बेस्ट प्रूफ हो जाएगा। अभी बात करते हैं लास्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, एंड वो है आइटिनररी। क्या होता है ना कि कभी कभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है और आइटिनररी में कुछ फेक चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से अगेन आपका जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आइटिनररी सही तरीके से प्लान करो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिंगापुर के लिए जा रहे हो और आप लोगों का फ्रेश पासपोर्ट है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ओनली 1 नाइट स्टे के लिए आप लोग सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करो। मैक्सिमम मैं आप लोगों को बोलूँगा 2-3 नाइट के लिए अप्लाई करो, जिससे आप लोगों का वीज़ा जो अप्रूवल है उसका चांसेस अच्छा हो जाएगा। और आइटिनररी में आप लोगों को क्या क्या लिखना है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। सो पहला चीज़, लाइक पहला दिन आप लोग सिंगापुर में पहुँचोगे, होटल में चेक इन करोगे, चेक इन करने के बाद एक नियर बाय लोकेशन है जिसको आप लोग विजिट करने जाओगे, फिर उसके बाद दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करोगे होटल में, उसके बाद कुछ प्लेसेस है जहाँ पर विजिट करने के लिए जाओगे, एंड उस तरीके का आइटिनररी बनाना। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ कि अगर आप लोगों का बैंक के अंदर बैलेंस कम है तो जो कॉस्टली जगह है उसको अवॉइड ही करना अपने आइटिनररी में इंक्लूड करने के लिए। जैसे कि हो गया यूनिवर्सल स्टूडियो या फिर सेंटोसा आइलैंड या फिर सिंगापुर जू, तो वो जगह बहुत ही कॉस्टली है एंड उसकी प्राइस जो टिकट प्राइस है वो भी कॉस्टली है, तो उनको अवॉइड ही करना। लाइक नॉर्मल जगह आप लोग यूज़ कर सकते हो, लाइक बुगीस, या फिर आप लोग लिटिल इंडिया में जा सकते हो, या फिर आप लोग बहुत सारी वैसे लोकल प्लेसेस है वहाँ पर जा सकते हो। इवन आप लोग मरीना बे सैंड्स और गार्डन बाय द बे जा सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे अट्रैक्शंस है एंड उसके वजह से आप लोगों को सिंगापुर वीज़ा का जो अप्रूवल चांसेस है वो बहुत ही हाई हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इवन ऑफिशियल वेबसाइट जहां से जाके आप लोग अप्लाई करो, कोई फेक वेबसाइट पे मत जाना, क्योंकि वहां पे जो है वो पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आप लोग जो है वो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़नी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले, तो आप लोग ये चीज़ कर लेना। वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस टाइम होता है 3-5 दिन का। सो आप लोग पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट पहले तो अरेंज करके रखना, जिससे जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद जब डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड करना स्टार्ट करोगे, सो आपका वीज़ा बहुत सही तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना पड़े, जो कि बहुत ही कम चांस होता है, सो कॉन्फिडेंट रहना और वहाँ पर जो एग्जैक्ट आपको जो रीज़न आप लोग क्यों जा रहे हो वो बताना मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉन्फिडेंट नहीं रहा सो में भी हो सकता है कि आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम द माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को अपना हेल्प करने का बेस्ट ट्राई करूंगा। इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश कर सकता हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर सिंगापुर वीज़ा।